दोस्तों, हमारे J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में जब भी कोई नई एडवर्टीजमेंट आती है तो इस चैनल पे सबसे पहले आपको अपडेट पहुंचा दी जाती है। आपको ये इंटीमेट करा दिया जाता है, आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई फला एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दी जाती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक बार फिर से आपके समक्ष आए हैं, आपके सामने आए हैं और लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट है भाई। आप में से बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मेल्स फीमेल्स सब लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ से अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे हूँ और टेलीग्राम चैनल पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत जल्द आपको अपडेट्स शेयर कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे PDF स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि जो पावेल डोरो है टेलीग्राम के फाउंडर के पावेल यानी कि पावेल डोरो के बारे में ये बताया जा रहा है कि उनको ऑब्वियसली ये तो आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि उनको अरेस्ट कर दिया गया है। अब ये उसी के ऑनगोइंग हमारे इंडिया में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई टेलीग्राम पे मिसयूज़ वगैरह जो है वो प्राइवेसी की का जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं प्राइवेसी लीकेज को लेके। तो उसी को जिमन में रख के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, एलेज कर रहे हैं कि भाई टेलीग्राम बैन हो सकता है। इसलिए अब हमने आप लोगों के लिए अल्टरनेटिव क्या ढूंढा है कि हमने आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 2 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि ठीक 4 दिन के बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट आप अक्टूबर यानी कि 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे आपके, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम थोड़ी पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो यार, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आउट हुई हैं, यहाँ पे देखिए Level 4 की ये पोस्ट है, आप जानते हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है, देखो टोटल अगर देखा जाए तो दोस्तों जम्मू में 126 ऐसी वैकेंसीज हैं और कश्मीर में 81 वैकेंसीज हैं, ठीक है। जम्मू डिवीज़न में 126 और कश्मीर डिवीज़न में 81 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज ये ब्रेकअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट में 51 है, SC में 10 वैकेंसीज हैं, ST में ST 1 13, ST 2 13 है, उसके बाद RBA 12 है, OBC 10 है, EWS 12 है, ALC 05 है, ठीक है। इसी तरह से कश्मीर में भी ये वैकेंसीज का ब्रेकअप है। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट स्टेनोटाइपिस्ट। देखो यार, स्टेनो के बारे में मैं आप लोगों को बहुत बार ये बताता हूँ कि भाई स्टेनो अगर आपने नहीं किया है तो भाई अगर आप वेले बैठे हो तो आप स्टेनो की जो स्टेनोग्राफी है वो आप करें, क्योंकि इसकी पोस्ट रेंडमली निकलती रहती है और इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है वो ये क्या कहते हैं, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, कभी ना कभी आपकी जॉब लग ही जाती है। 41 वैकेंसीज आपकी जम्मू में हैं और कश्मीर डिवीज़न में आपकी 30 वैकेंसीज, दैट मीन 71 वैकेंसीज इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई देखो, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप तो एक तो ग्रेजुएट होने चाहे, दूसरा आपके पास एक सर्टिफाइड कोर्स होना चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि आपको 6 मंथ्स का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपका इग्नो का भी सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो वो भी चल जाएगा यहाँ पे। स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए शॉर्ट हैंड या
एंड टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर कीबोर्ड पे। सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम ऑफिसर ये लेवल 4 की पोस्ट है दोस्तों। इसमें टोटल एक वैकेंसी है, डिवीजन जम्मू की ये वैकेंसी है। इसमें आपका MCA M.Tech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहे, ठीक है, या तो MCA होना चाहे या तो BTech BE या BTech होना चाहे आपका इसमें सिस्टम ऑफिसर के लिए। ये भी लेवल 4 की ये पोस्ट है। इसमें आप कोई भी बैचलर डिग्री है कंप्यूटर की तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। BCA वगैरह है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है आपका सिस्टम असिस्टेंट। सिस्टम असिस्टेंट लेवल 2 की ये पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 वैकेंसीज है और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। आपका BSc होना चाहे कंप्यूटर साइंस में, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहे। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका डिप्लोमा होल्डर्स वगैरह इसके बारे में, ठीक है। डिप्लोमा होल्डर्स आप होने चाहिए यहाँ पे इसके लिए, इसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स जो है वो एलिजिबल हैं सिस्टम असिस्टेंट के लिए। ओके, सो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताया गया है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइक डिपार्टमेंट। उसके अलावा एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 18 से लेकर 40 और 43 और 48 के बीच में रहेगा। देखो एप्लीकेशंस आपने कहाँ से फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट judiciary.org/JNK से आपने जो है वो फिल करना है, अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मुझे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो असल में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड श्रीनगर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख एंड श्रीनगर की ये पोस्ट है, के लिए पोस्टें हैं, ठीक है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सेक्रेटरीट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी यार इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पे कुछ खास मेंशनड नहीं है। आपको देखो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह का लिंक्स जो है वो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट jkhighcourt.nic.in पर देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके अलावा और ये भी चीज़ बताई गई है कि भाई एग्ज़ाम अगर मतलब जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपकी जो वेबसाइट है हाई कोर्ट jkhighcourt.nic.in की ये पोस्ट है, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें इस साइट पे जाके आप रेंडमली चेक करते रहिएगा तो आपको ये चीज़ का इंटीमेट मतलब पता चल जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे वो सारी चीज़ें आपको आप तक जो है वो पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी अगर आपका कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा, खुदा हाफिज़।